गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं शशि मौर्य सन साइंस सीनियर सेकेंडरी स्कूल जखनिया गाजीपुर से। आज मैं आपको कक्षा 8 हिंदी पाठ 2 सदाचार का ताबीज पाठ पढ़ाने जा रही हूँ, जिसे आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और समझेंगे। तो सबसे पहले सदाचार के ताबीज में यह मैं बताने जा रहे हैं कि यह कहानी कैसी है, इस कहानी में किसके बारे में वर्णन किया गया है। तो चलिए देखिए, यह एक व्यंग प्रधान कहानी है। व्यंग का मतलब होता है कि उपहास, किसी का जो हम किसी के ऊपर उपहास उड़ाते हैं, हंसते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, व्यंग बोलते हैं। जिसमें भ्रष्टाचार की समस्या को और उसके निवारण मतलब रोकने के उपायों को मनोरंजक रूप से प्रस्तुत किया गया है। कहानी में मनुष्य के बदलते स्वभाव को दिखाया गया है, जो परिस्थितिवश तथा अपनी सुविधा अनुसार बदल जाता है। देखिए, इसमें जो लेखक हैं आपको बता रहे हैं कि जो यह कहानी है सदाचार का ताबीज है, इसमें एक व्यंग प्रधान कहानी है और इसमें भ्रष्टाचार की समस्या और उसके निवारण मतलब रोकने के उपायों को जो बहुत ही अच्छे ढंग से, रोचक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। और इस कहानी में बताया गया है कि मनुष्य अपने स्वभाव को कैसे बदलता है, यानी मनुष्य किसी परिस्थितिवश या अपनी सुविधानुसार अपने आप को क्या करता है, बदल देता है, परिवर्तित कर देता है। तो ठीक, चलिए इस कहानी विषय के बारे में वर्णन किया गया है, तो आगे हम चलते हैं। देखिए, एक राज्य में हल्ला मचा के भ्रष्टाचार बहुत फैल गया है। हल्ला किसको कहते हैं, शोर। हल्ला किसको कहते हैं, शोर। यानी एक राज्य में शोर मचा के, इस राज्य में क्या है, जिस राज्य में सभी लोग रहते थे, कि भ्रष्टाचार बहुत फैल गया है। राजा ने एक दिन दरबारियों से कहा, देखिए अब जिस राज्य में रहते थे उसमें एक राजा था और उनके राज्य में बहुत ढेर सारे दरबारी रहते थे। तो जब उनके राज्य में यह शोर मच गया कि हमारे राज्य में भ्रष्टाचार फैल गया है, तो एक दिन राजा ने गोष्ठी की दरबार में, और वहाँ पर सभी दरबारी इकट्ठा हुए और सभी दरबारियों से उन्होंने क्या कहा, प्रजा बहुत हल्ला मचा रही है कि सब जगह भ्रष्टाचार फैला हुआ है। उन्होंने क्या कहा कि हमारे प्रजा में यह बहुत शोर हो रहा है कि सभी जगह क्या है, भ्रष्टाचार फैल हुआ है। हमें तो आज तक कहीं नहीं दिखा, तुम लोगों को कहीं दिखा हो तो बताओ। तो राजा दरबारियों से कह रहे हैं कि प्रजा के कहने के अनुसार, यानी हमारे राज्य में बहुत ही भ्रष्टाचार फैला है, लेकिन राजा कह रहे हैं कि हमें तो यहाँ कहीं भी भ्रष्टाचार दिखाई नहीं दिया। यदि तुम लोगों को, दरबारियों से बोल रहे हैं कि यदि तुम लोगों को भ्रष्टाचार कहीं दिखाई दिया है तो मुझे बताओ। दरबारियों ने क्या कहा, देखिए जब हुजूर को नहीं दिखा तो हमें कैसे दिख सकता है। तो दरबारियों ने राजा से क्या कहा कि जब आपको नहीं दिखा तो हम लोग को कैसे दिख सकता है। आगे देखिए, राजा ने कहा, नहीं ऐसा नहीं है, कभी कभी जो मुझे नहीं दिखता वह तुम्हें दिखता होगा। जैसे मुझे बुरे सपने नहीं दिखते पर तुम्हें तो दिखते होंगे। तब राजा ने दरबारियों का उत्तर दिया कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है कि जो मुझे दिखेगा वही तुम लोग को दिखेगा, जो मुझे नहीं दिखेगा वो तुम लोग को नहीं दिखेगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो राजा को दिखाई नहीं देता है लेकिन वो दरबारियों को दिखाई देता है। जैसे उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया, उदाहरण दिया कि मुझे सोते वक्त, यानी सपने, बुरे सपने यानी खराब सपने कभी दिखाई नहीं देते हैं। हो सकता है कि तुम लोग को सपने, बुरे सपने दिखाई देते होंगे। अब देखिए, इसके बाद उनकी बातों को सुनकर दरबारियों ने क्या कहा, जी दिखते हैं पर वह सपनों की बात है। दरबारियों ने क्या कहा कि हाँ, हम लोग को बुरे सपने दिखते हैं पर वो तो सपनों की बात है, यहाँ प्रजा की बात है। राजा ने कहा, फिर भी तुम लोग सारे राज्य में ढूंढकर देखो कि कहीं भ्रष्टाचार तो नहीं है। लेकिन राजा ने कहा कि नहीं, फिर भी जो भी है, दिखाई देता है नहीं दिखाई देता है, लेकिन तुम लोग को पूरे राज्य में घूमकर देखना होगा, ढूंढना होगा कि कहीं तुम लोग को भी तो भ्रष्टाचार दिखाई तो नहीं दे रहा है।
या तो हो सकता है कि इस दरबार में भ्रष्टाचार हो जो कि दिखाई नहीं देता है, इसलिए तुम लोग इसको ढूंढो, ढूंढो मतलब खोजो। अगर कहीं मिल जाए तो हमारे देखने के लिए नमूना लेते आना। राजा ने कहा कि यदि अगर कहीं भ्रष्टाचार तुम लोग को मिल जाते हैं देखने के लिए, तो हमारे लिए भी एक छोटा सा भ्रष्टाचार का नमूना लेकर आना। देखो एक आप लोग देखिए बेटा, ये क्या है, एक व्यंग प्रधान कहानी है। क्योंकि भ्रष्टाचार क्या है, भ्रष्टाचार तो लोगों से ही फैलता है, मनुष्यों से ही फैलता है, हम ही लोग से फैलता है, लेकिन वो क्या है, हम लोग को खुद दिखता नहीं है। लेकिन राजा ने क्या किया कि अगर कहीं तुमको भ्रष्टाचार दिखाई देता तो उसका एक नमूना लाओ। यानी भ्रष्टाचार का नमूना कैसे आ सकता है, हम भी तो देखे कि यह होता कैसा है। अब वो राजा क्या कर रहे हैं कि हम भी तो देखें कि भ्रष्टाचार होता क्या है। राजा को अभी तक ये ज्ञात नहीं था कि भ्रष्टाचार क्या होता है। अब देखिए, एक दरबारी ने कहा, हुजूर वह हमें नहीं दिखेगा, सुना है कि वह बहुत बारीक होता है। बारीक का मतलब बहुत ही पतला। वो क्या कर रहा है कि हुजूर वो हमें भी नहीं दिखेगा, क्योंकि हम लोगों ने सुना है कि भ्रष्टाचार बहुत ही बारीक होता है, बहुत ही पतला होता है, बहुत ही कोमल होता है। हमारी आंखें आपकी विराटता देखने को इतनी आदि हो गई है कि हमें बारीक चीज़ें दिखती ही नहीं। अब वो क्या कर रहे हैं दरबारी, क्या कर रहे हैं कि हम लोग की जो आंखें आपकी विराटता यानी आपकी महानता को इतनी देखने के लिए आदि हो गई है कि हमें कोई भी आपके अलावा कोई और दूसरा चीज़ दिखाई नहीं देता। हमें भ्रष्टाचार दिखा भी तो उसमें हमें आपकी छवि दिखेगी, क्योंकि हमारी आंखों में तो आपकी ही सूरत बसी है। अब वो क्या कर रहे हैं कि अगर हमको कहीं भ्रष्टाचार इस राज्य में हमें कहीं भ्रष्टाचार दिखाई भी देगा तो आपकी छवि, छवि मतलब आपकी ही परछाई दिखेगी, क्योंकि हमारी आंखों में यानी हमेशा हम अपने आंखों में हृदय में आपकी ही सूरत को, आपकी ही चेहरा को बसाए रखे हैं, इसलिए हमें कहीं भ्रष्टाचार दिखाई नहीं देगा। जहाँ भी दिखाई देगा वो आप ही दिखाई देंगे। अब देखिए, पर आपने राज्य में एक जाति रहती है जिसे विशेषज्ञ कहते हैं। क्या कह रहे हैं कि अपने राज्य में यानी हम लोग के राज्य में एक जाति रहती है जिसे हम विशेष कहते हैं, मतलब विशेषज्ञ का मतलब होता है कि सबसे अधिक सर्वश्रेष्ठ जानने वाला, जो कि सब कुछ जानता है। इस जाति के पास कुछ ऐसा अंजन देखिए, अब क्या कर रहे हैं कि इस जाति के बाद कुछ ऐसा अंजन, अंजन का मतलब होता है काजल, अंजन का मतलब क्या होता है काजल, काजल होता है कि उसे आंखों में आज कर वे बारीक चीज भी देख लेते हैं। मतलब कह रहे हैं कि हमारे राज्य में एक ऐसा जाति है जो विशेषज्ञ है, जो कि उसकी आंखों में एक अंजन लगा होता है, और अंजन लगा कर वो बारीक चीज यानी बहुत से कोमल पतले से पतले वस्तु को क्या करते हैं, देख सकता है। तो मेरा निवेदन है कि इन विशेषज्ञों को हुजूर भ्रष्टाचार ढूंढने का काम सौंपे। तो दरबारी क्या कर रहे हैं कि हम आपसे निवेदन करते हैं कि महाराज आप इन विशेषज्ञों को ही भ्रष्टाचार ढूंढने का काम सौंपें। क्योंकि दरबारियों ने बोला था, क्यों ऐसा कहा, क्योंकि दरबारियों ने बोला था कि भ्रष्टाचार बहुत ही बारीक होता है। तो वो लोग कह रहे हैं कि विशेषज्ञ जो होते हैं अपने आंखों में अंजन लगाते हैं, काजल लगाते हैं, और काजल लगाने के बाद वो बारीक से बारीक चीज़ों को देख सकते हैं, तो इसलिए आप भ्रष्टाचार ढूंढने के लिए उन्हें ही भेजें, सौंपें। राजा ने विशेषज्ञ जाति के 5 आदमी बुलाए और कहा, सुना है हमारे राज्य में भ्रष्टाचार है, पर वह कहाँ है यह पता नहीं चलता, तुम लोग उसका पता लगाओ, अगर मिल जाए तो पकड़कर हमारे पास लाओ। इसके बाद दरबारियों की बात को सुनकर राजा ने अपने राज्य के 5 विशेषज्ञों को बुलाया, और बुलाने के बाद उनसे वो कह रहा है कि हमने सुना है कि हमारे राज्य में भ्रष्टाचार है, पर वो भ्रष्टाचार कहाँ है यह पता नहीं चलता है, इसलिए तुम लोग क्या करो, उसका
पता लगाओ, और यदि भ्रष्टाचार तुम्हें मिल जाते हैं तो उनको क्या करो, पकड़ कर ले आओ। देखिए ये बैंक प्रधान कहानी हुई ना, आगे देखिए। विशेषज्ञों ने उसी दिन से छानबीन शुरू कर दी। 2 महीने बाद वे पुनः दरबार में हाजिर हुए और राजा ने पूछा, विशेषज्ञों तुम्हारी जांच पूरी हो गई, अब क्या है। राजा ने विशेषज्ञों को उसी दिन से छानबीन, यानी छानबीन का मतलब खोज करने के लिए, ढूंढने के लिए कार्य सौंप दिया, और उसी दिन से विशेषज्ञ अपने कार्य में पूरी तरह से लग गए। और 2 महीने जब बीत चुके तो फिर इसके बाद राजा ने पुनः दरबारियों को, पुनः उन विशेषज्ञों को अपने पास दरबारियों से कहकर बुलाया और विशेषज्ञों से पूछा कि तुम्हारी जांच अब क्या हो गई, 2 महीने हो गए, 2 महीने से आपको हमने काम सौंपा था भ्रष्टाचार को ढूंढने के लिए, तो अब 2 महीने बीत चुके अब, और आपका जो जितने दिन के लिए समय दिया गया था वो पूरा हो गया है, तो आप बताइए। तो देखिए जी सरकार, विशेषज्ञों ने राजा से क्या किया, जी सरकार ठीक है, पूछिए क्या तुम्हें भ्रष्टाचार मिला। जी बहुत सा मिला। अब राजा ने पूछा विशेषज्ञों से, क्या आप लोग भ्रष्टाचार खोजने के लिए गए तो आप लोग को भ्रष्टाचार मिला। तो राजा ने कहा हाँ हम लोग को मिला। अब देखिए राजा ने हाथ बढ़ाया, लाओ मुझे दिखाओ, देखूं कैसा होता है। इसके बाद राजा ने क्या किया, उन विशेषज्ञों के पास हाथ को बढ़ाता है और कहता है कि लाइए जो भ्रष्टाचार आपने ढूंढ कर लाया है उसे हमें दिखाइए, मैं भी तो जरा देखूं यह कैसा होता है। अब देखिए विशेषज्ञ बोला, वह स्थूल नहीं सूक्ष्म है, अगोचर है, पर वह सर्वत्र व्याप्त हैं, उसे देखा नहीं जा सकता, अनुभव किया जा सकता। आप देखिए विशेषज्ञ क्या कहे, वो स्थूल यानी वो क्या है, वो अप्रत्यक्ष है, नहीं दिखाई देते, वो अप्रत्यक्ष होते हैं, सूक्ष्म होते हैं, छोटा होते हैं, अगोचर होते हैं, यानी वो कह रहे स्थूल मतलब वो मोटा होते हैं, मोटा नहीं होते, सूक्ष्म मतलब बहुत ही बारीक होते हैं, अगोचर होते हैं, यानी वह क्या होते हैं, अप्रत्यक्ष होते हैं, यानी अप्रकट रूप से, यानी उसको हम देख नहीं सकते, सिर्फ उसको क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, और यह हमारे राज्य में सभी जगह क्या है, व्याप्त है। जब विशेषज्ञ राजा से कहा कि, जब राजा ने उनके सामने हाथ को बढ़ाया और बोला कि लाइए भ्रष्टाचार को हम देखें भ्रष्टाचार कैसा होता है, तो विशेषज्ञ ने बताया कि महाराज वह कोई मोटा नहीं होता, बहुत ही सूक्ष्म होता है, बारीक होता है और अप्रत्यक्ष होता है, जिसे हम देख नहीं सकते, अगोचर मतलब अप्रत्यक्ष अप्रकट, यानी सर्व मतलब सभी जगह, व्याप्त मतलब छिपा हुआ, यानी सभी जगह व्याप्त रहते हैं, छिपे होते हैं, उसे हम देख नहीं सकते, बल्कि क्या कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। यानी भ्रष्टाचार होता है, जब भी हमारे राज्य में भ्रष्टाचार फैलता है या कहीं पर भी भ्रष्टाचार फैलता है तो उसे हम देखते नहीं, बस अनुभव करते हैं कि हाँ भ्रष्टाचार फैल गया है। ठीक, भ्रष्टाचार से सभी लोगों को आखिर भ्रष्टाचार क्या होता है। राजा सोच में पड़ गए, बोले विशेषज्ञों तुम कहते हो कि वह सूक्ष्म है, अगोचर है और सर्वव्यापी है, यह गुण तो ईश्वर के हैं, तो क्या भ्रष्टाचार ईश्वर है। अब देखिए राजा क्या कर रहे हैं, सोच में पड़ने के बाद कुछ देर तक सोचते हैं, फिर इसके बाद विशेषज्ञों से बोलते हैं कि तुम कहते हो वो सूक्ष्म है यानी बहुत ही बारीक है, अगोचर है यानी अप्रत्यक्ष है, अप्रकट है, और सर्वव्यापी यानी सभी जगह व्याप्त रहने वाले हैं, तो ये तो सभी गुण ईश्वर में व्याप्त रहते हैं, कि ईश्वर किसी को दिखाई नहीं देते, वो अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से सामने नहीं आते, वो अप्रत्यक्ष होते हैं, आप सभी जगह व्याप्त रहते हैं, हमारे में भी आप में, तो क्या ये सब तो गुण ईश्वर में ही पाए जाते हैं, तो क्या जो भ्रष्टाचार है ईश्वर ही है। अब देखिए विशेषज्ञों ने कहा हाँ महाराज, अब भ्रष्टाचार ईश्वर हो गया है। अब इसके बाद विशेषज्ञों ने क्या कहा राजा से, हाँ महाराज अब भ्रष्टाचार ईश्वर ही हो गया है, क्योंकि मनुष्य भ्रष्टाचार कर रहे हैं लेकिन आप कर रहे हैं सभी जगह व्याप्त है, तो आज अब तो भगवान ही क्या है भ्रष्टाचार हो गए हैं। एक दरबारी ने पूछा
महाराज आप भ्रष्टाचार ईश्वर में। एक दरबारी ने पूछा, पर वह है कहाँ, कैसे अनुभव होता है? अब जो राजा के पास दरबारी रहते थे उसमें से एक दरबारी पूछा कि महाराज बताइए कि वह भ्रष्टाचार, बताइए कि उसे हम कैसे अनुभव कर सकते हैं, या वो कहाँ भ्रष्टाचार है और हम कैसे अनुभव कर सकते हैं उसे। विशेषज्ञों ने जवाब दिया, वह सर्वत्र है, वह इस भवन में है, वह महाराज के सिंहासन में है, सिंहासन में है। कहकर राजा साहब उछल कर दूर खड़े हो गए। जब विषय ने कहा कि वो सभी जगह भ्रष्टाचार तो सभी जगह व्याप्त है, इस भवन में भी भ्रष्टाचार है, महाराज के सिंहासन में भी भ्रष्टाचार है, तो महाराज क्या करते हैं, सिंहासन में है। जब बोलते हैं तो महाराज क्या करते हैं, सिंहासन में है। महाराज उन्हीं की बातों को उत्तर देते हुए, उनकी बातों को दोहराते हुए क्या कहते, अरे इस सिंहासन में भी भ्रष्टाचार है। ऐसा कहते हुए राजा क्या सिंहासन को छोड़कर यानी उछलकर यानी उनसे दूर हटकर खड़े हो जाते हैं। विशेषज्ञों ने कहा, हाँ सरदार सिंहासन में है। पिछले माह इस सिंहासन पर रंग करने के लिए जैसे बिल का भुगतान किया गया वह बिल झूठा था, वह वास्तव में दुगने दाम का था, आधा पैसा बीच वाले खा गए। अब विशेषज्ञों ने क्या कहा, हाँ सरकार इसी सिंहासन में भ्रष्टाचार है, क्योंकि पिछले माह इस सिंहासन पर रंग करने के लिए जिस बिल का भुगतान किया गया वो बिल क्या था, झूठा था। जो बिल बनाया गया वो क्या था, झूठा था, वास्तव में दुगने दाम का था, यानी वो दुगने दाम का था, लेकिन आधा पैसा क्या है, बीच में ही, यानी सिंहासन बनाने वाले के पास जब पैसा गया था तो बीच में ही आधा पैसा खा गए। आपके पूरे शासन में भ्रष्टाचार है और मुख्यतः घूस के रूप में, यानी जो लोग घूस लेते हैं, गलत काम करते हैं, उसी को भ्रष्टाचार बोलते हैं। तो उसी के लिए वो विशेषज्ञ ने कहा कि पूरे शासन में भ्रष्टाचार है, मुख्यतः घूस के, यानी आप किसी को गाली गलौज दे रहे हो, किसी से घूस ले रहे हो, घूस जानते हैं यानी नौकरी के नाम पर घूस लेना, आप बच्चे पढ़ रहे हैं तो स्कूलों में पढ़ने के नाम पर डोनेशन लेना, ये सब क्या है, ये भ्रष्टाचार ही है। तो उसी के लिए विशेषज्ञ ने राजा से बोला है। विशेषज्ञ की बात सुनकर राजा चिंतित हो गए और दरबारियों के कान खड़े हो गए। और विशेषज्ञों की बात सुनकर राजा क्या बहुत ही चिंता में हो गए और सभी दरबारियों के कान खड़े हो जाना, ये मुहावरा है, कान खड़े हो जाना मुहावरा है, यानी सभी दरबारी क्या सचेत हो गए। आप देखिए, ठीक है, यहाँ तक आपको हमने पढ़ाया, फिर हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।